येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनु बदनामी रक्षो माचल माचला। नमस्कार, उदय इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ अरुणा शाह। आज है भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन। सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के लिए अपराहन काल में व्यापिनी पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है और भद्रा को वर्जित माना गया है। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन माना गया है और किसी भी शुभ कार्य में इसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके देवता, पितृ और ऋषियों का स्मरण किया जाता है। इसके बाद रक्षा सूत्र यानी राखी को शुद्ध स्थान पर रखकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। फिर रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवाया जाता है। साल 2024 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2081 है। उसमें सावन शुक्ल पूर्णिमा को सूर्योदय के पहले 3:05 से रात्रि 11:55 तक पूर्णिमा रहेगी। इस दौरान मकर राशि में चंद्रमा होने के कारण भद्रा पाताल लोक में निवास करेंगी, इसलिए भद्रा दोष भी नहीं लगेगा। सोमवार 19 अगस्त 2024 को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 से शाम 6:25 तक रहेगा और प्रदोष काल में शाम 6:56 से रात्रि 9:08 तक रहेगा। रक्षाबंधन के पीछे पौराणिक कथा ये है कि एक बार 12 साल तक देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार हुई और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हार से निराश देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे, मेरा युद्ध करना अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमें हार ही हाथ लगी है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, आप ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, इससे आप जरूर विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान के साथ रक्षाबंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रणक्षेत्र में पहुंचे तो असुर इतने भयभीत हो गए कि वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई और तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। ओम नमो नारायणाय।